बड़ी खबर सिवान से, जहां पर अपराध की योजना बना रहे 8 अपराधियों को सिवान पुलिस ने धर दबोचा। सिवान एसपी नवीन चंद्र झा को गुप्त सूचना मिली थी कि बसतपुर थाना क्षेत्र में अपराधी इकट्ठा होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। सिवान एसपी नवीन चंद्र झा ने महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर बसतपुर जामो और गोरियाकोठी थाने की पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 8 अपराधियों को धर दबोचा। इन अपराधी के पास से 4 लूट की मोटरसाइकिल, 2 मास्टर की, 2 पिस्टल, 8 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए। सिवान एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि इन अपराधियों पर हत्या, लूट जैसे अलग अलग थानों में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच की जा रही है। ये सभी अपराधी सिवान, छपरा, मोतिहारी, गोपालगंज के रहने वाले हैं। देखिए सिवान से काजल सिंह की रिपोर्ट। सूचना के आधार पर रेड किया गया तो सोहेल पट्टी बाजार से 3 अपराधी धीरज, राहुल और मुकेश, 2 कट्टा, 2 गोली और 2 मोटरसाइकिल के साथ अरेस्ट हुए। उसके बाद उनके बयान के बाद उनके और सहयोगी, जिसमें मोतिहारी के जितेंद्र, सबरोज और यूनिस थे, उनको 1 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। उसके बाद बड़वा कला से सारण जिला के दीपक और रवि को अरेस्ट किया गया 1 चोरी के मोटरसाइकिल के साथ। इस प्रकार कुल मिला के आज 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से 2 कट्टा, गोलियां, मोबाइल और चोरी के 4 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। ये जो पिछला गैंग जो अभी 3 दिनों पहले डिटेक्ट हुआ था, उसी का ये एक्सटेंशन है। मतलब कुल मिला के उस गैंग में अभी तक 22 लोग अरेस्ट हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल चोरी या लूट के बरामद हुए हैं, 6 हथियार पकड़े गए हैं और गोलियां बरामद हुई हैं। सर, ये क्या किसी अपराध की योजना बना रहे थे या? हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हैं, आपराधिक मामला पहले से। हाँ, इन लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामला है। अभी हम लोग क्योंकि आज ही पकड़े गए हैं तो आज हम लोग सारण, मोतिहारी और सिवान जिला के ये लोग हैं। सर, ये लोग अपराध की योजना बना रहे थे क्या वहाँ बैठकर? हाँ। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सभी खबरों पे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।